महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैन क्लब के सदस्यों के द्वारा शांति कबड्डी टूर्नामेंट और शांति मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज शांति कबड्डी टूर्नामेंट का उद्घाटन हमीरपुर जिला के कबड्डी प्लेयर व कोच पूर्णचंद कटोच के द्वारा किया गया। पूर्णचंद कटोच ने हमीरपुर में विपरीत परिस्थितियों में भी युवाओं को कबड्डी खेल के प्रति प्रोत्साहित किया था और उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनके द्वारा प्रदेश में कई टीमों को प्रशिक्षण दिया गया है। पूर्ण कटोच ने इस अवसर पर खिलाड़ियों को संदेश दिया कि वे बढ़ चढ़कर खेलों में हिस्सा लें, नशे से दूर रहें और अपने आप को फिट रखें। इस मौके पर फैन क्लब के सदस्यों ने डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा के हाथों पूर्ण चंद कटोच को सम्मानित भी किया। इस मौके पर डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हमेशा लोग अहिंसा का रास्ता दिखाने के लिए याद रखते हैं और उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए भारत को आजादी मिली थी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का गुणगान केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में किया जाता है। इस बात का परिचय ये है कि आज पूरी दुनिया के 105 देशों के अंदर महात्मा गांधी के नाम के स्मारक और राजमार्गों का नामकरण किया गया है, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। फैन क्लब के सदस्यों का आभारी हूँ और उनको बधाई देता हूँ इस आयोजन के लिए और बहुत धन्यवादी हूँ हमारे इस हमीरपुर जिला के कबड्डी के बहुत बड़े प्लेयर, कोच और साथ में खेल विभाग के अधिकारी हमारे बड़े भाई श्री पूर्णचंद कटोची, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हमीरपुर में कबड्डी को प्रोत्साहन दिया, बच्चों को घर से बुला के यहाँ प्रशिक्षण दिया और हमीरपुर की ऐसी ऐसी टीमें बनाई जो कि देश और प्रदेश में जगह जगह पे टूर्नामेंट में विजयी रही, विनर रही और इन्होंने हमीरपुर का नाम जो है वो रोशन किया। इसके लिए मैं बड़े भाई पूर्णचंद कटोच जी को बधाई देता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इनका मार्गदर्शन जो है हमारे युवाओं को ऐसे ही आगे मिलता रहेगा। तो मेरी सभी आप युवाओं से अपील है कि नशे से दूर रहें, खेलों में हिस्सा लें, क्योंकि खेलें, जैसा कि कोच साहब ने बताया कि आज खेलें हमें नवाब बना रही हैं। नवाब इन द सेंस, आपने देखा ओलंपिक में कितने सारे गोल्ड जो है वो हमारे को इस बार आए। तो धीरे धीरे अगर हम अपनी युवाओं को प्रोत्साहन देंगे तो ये वो दिन दूर नहीं है जब हम ओलंपिक की टैली में भी सबसे ऊपर आएंगे। धन्यवाद।